नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हमारे साथ आंटी भी हैं आपका स्वागत करने के लिए। हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं सिसु, जहाँ पे हम देखेंगे बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ और भी एडवेंचरस चीजें। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने जो देख सकते हैं गैम्पोंगो पीक, करीब 5900 मीटर की हाइट है। और ये सामने जो दिख रहा है वो है शिखर बे, विच इज़ हाइटेड एट 6200 मीटर्स। सामने आपको पूरा वैली का व्यू मिलता है, और पीछे ही आप हमारे जाएंगे तो मिलेगा आपको कीलोंग। इस पहाड़ के पीछे आपको कीलोंग मिलेगा, और ये है लाहौल का नज़ारा, जहाँ पे ठंडी तो कम से कम -20 है। ऐसा कुछ नज़ारा है दोस्तों हमारा। और ये है वो जगह, रॉयल एनफील्ड का शोरूम। दोस्तों अभी है टेम्परेचर -20, और हम खड़े हैं लाहौल वैली में। मेरे पीछे है शिखर बे, जिसकी हाइट है 6200 मीटर, और जो कि पूरा ग्लेशियर है। और आप मेरे सामने देख सकते हैं पूरी लाहौल वैली, जो कि पूरी तरह से जमी हुई है। और इधर एक पॉइंट है जो कि आप देख सकते हैं पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। तो ये है एक प्रॉपर्टी दोस्तों, जहाँ पे हम रुके हुए हैं लाहौल वैली में। तो हम जिस प्रॉपर्टी में रुक रहे हैं वो एक लाहौल के ही बंदे की प्रॉपर्टी, जो कि लोकल है यहाँ के। इस वजह से हम यहाँ पर आ पाए हैं, और यहाँ पर आने के लिए हमें 4x4 का यूज़ करना पड़ा, क्योंकि नॉर्मल कार यहाँ पर आ नहीं सकते हैं, क्योंकि रास्तों पे भी कुछ जगहों पे बर्फ़ जमी हुई है। और ये पॉसिबल हो पाया है दोस्तों सिर्फ अटल टनल की वजह से। अटल टनल जब से बना है तभी लोग लाहौल वैली या स्पीति के लोग आ जा पा रहे हैं। उसके पहले जब तक रोहतांग था, तब तक तो लोग ठंडी के मौसम में 6 महीने कट जाते थे। है फ्रेश है दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरे तरह से फ्रेश है। ये देखिए तो ये फ्रेश है, इसका मज़ा लेना है। और यहाँ पे इसी वजह से अच्छे क्रॉप्स भी उगते हैं। इस वजह से लाहौल की आलू, लाहौल के गोभी, लाहौल के सेब बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ बर्फ़ के बाद जब क्रॉप्स उगती हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट क्रॉप्स होते हैं। और लाहौल वैली के बारे में क्या ही कहना, बहुत ही सुंदर है। वैसे तो हम लोग गर्मियों के सीज़न में, मैं कई बार आ चुका हूँ, पहली बार ये ठंडियों के सीज़न में आ रहा हूँ, और दोस्तों काफ़ी ठंड है। सारा हमारा ये था हमारा स्टे, रॉयल एनफील्ड का गराज है कीलोंग में। वहाँ पे स्टे के लिए है, ब्रेकफास्ट के लिए कैफ़े है, गराज है, सब कुछ है इसके साथ है। और ये क्यूटू सा डॉगी भी है यहाँ पे। हेलो बड़ी, हेलो बलू, इसका नाम है बड़ी बड़ी। और ये है नज़ारा यहाँ से। तो अगर आप कभी इधर विंटर का ट्रिप बना रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं भैया को। और जगह का नाम है ग्रीस मोटो क्लब, यहाँ पे आप रुक सकते हैं, कैफ़े है तो उसका भी मज़ा ले सकते हैं। अगर बाइक में ट्रिप कर रहे हैं तो अब तो और भी एक अच्छी जगह बन जाएगी आपके लिए। तो दोस्तों ये रहा मेरे ब्लॉग का एंड। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। और इसी तरह के ट्रैवलिंग से जुड़े कंटेंट के लिए मेरे चैनल विनय आयर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।